मतलब अगर कहा था तो कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी होंगे खैर खड़े होंगे। तो जी माँ जो है, माँ और भाई उमरा के नाम का मजाक बना रहे हैं और बेटी जो है शादी के नाम का मजाक बना रही है। माँ उमरा पे जाके जो है ना वहाँ पे पिकनिक कर रही है और बेटी लोग खुद की शादी तोड़ के जो है दूसरों की शादियों पर जो है नाच रही है, मज़े कर रही है। जी हाँ, आपने जो थंबनेल में देखा और जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। कल के जैसे कि शेरू भाई का व्लॉग आया जिसमें जो है शेरू भाई लोग शादी पे गए थे, एंड मोमेंट पे 5 बजे जो है उनको पता चला कि शादी पे जाना है बोल के, वो भी जिनी ने जो है फ़ोन करके बोला। तो शेरू भाई और नूर जो शादी में गए, लेकिन शादी में जाते टाइम जो है वो गिफ्ट लेके जाना जो है वो भूल गए। हालाँकि उनकी भाई की नई नई शादी हुई है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, या फिर उनके पास इतना तो पैसा कि मार्केट से जाते टाइम जो है गिफ्ट लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने गिफ्ट लेके जाना जो है वो भूल गए, दिमाग से निकल गया। अरे जाते टाइम ही बहुत बार ऐसा हमारे साथ भी होता है, बचपन में आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे माँ बाप माओ ने जो है अब्बा को पैसे दिए थे गिफ्ट लाने के लिए, लेकिन अब्बा कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आता था या फिर वो भूल जाते थे। तो जाते टाइम ही हमारी माँ जो है गिफ्ट खरीद के पैक करा के फिर लेके जाते थे, चाहे जितना टाइम लग जाए, लेकिन उनको उनको जो है गिफ्ट खरीदने का याद ही नहीं रहा, वो भूल गए। ये सब खाना है एक और जो है लिफाफे दे दिया, और लिफाफा भी कितने का दिया होगा क्या मालूम, चाहे 50 रुपये रखा हो या फिर 100 रुपये रखा हो, दिखाई थोड़ी देता है। सो गिफ्ट ना लेने का ये तो बहाना है, फ्री फंड का खाना जाना है, खाने को जाना है, और ये लोग खाने के लिए ही जीते। जैसे कि माँ उमरा पे जाके जो है इबादत की जगह माँ और भाई खाना, ऐसा कोई कोई व्लॉग नहीं है जिसमें खाना ना हो, खाना ही दिखाते। और ये लोग भी जो है माँ जाने के बाद जैसे जेल से छूटा हुआ कैदी की तरह जो है हर जगह बस खाना ही खा रहे हैं और घूम ही रहे हैं। सो इसी से ही समझ में आता है कि इनकी फैमिली का जो है तरबियत कैसा है, प्यार कैसा है, बॉन्डिंग कैसा है। और बहन तो खुद की शादी जो है तोड़ के दूसरों की शादियों में जाके जो है दुल्हन बन के दूसरों की शादियों में जाके जो है बारातियों के साथ जो है ढोल नगाड़ों पर नाच रही है बेशर्मों की तरह, उसको ज़रा भी शर्म बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब तो जो है ना मुझे मेरे ख्याल से ज़फ़ीर भाई के साथ साथ जो उसने बुरखा नकाब और हिजाब को जो है उनको भी टाटा बाय कर दिया, क्योंकि ये मुसलमान है ही नहीं, उनको जो है ना दीन का कोई इल्म है ना नॉलेज है और ना अल्लाह का खौफ है ना आखिरत का कोई जो है ना डर है। ये लोग बस दुनियाई ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। ये एक किस्म का ना, ये मैं इनको जो है ना मैं इस्लाम का बोझ कहती हूँ। ट्रस्ट मी, जो लोग जैसे कि कहावत है कि धरती का बोझ, ये ऐसे लोग ना इस्लाम के बोझ है जो दुनियाई ज़िंदगी में चंद जो है ना चमक धमक के चक्कर में ये इतने ज़्यादा मसरूफ हो गए, ये भूल गए कि भाई हमारे मरने के बाद इस ज़िंदगी के बाद भी आखिरत नाम की कोई चीज़ है, वहाँ पे हमको सवाल जवाब जो है ना हमसे किया जाएगा, तो हमारे जो है ना हिसाब किताब उस दिन किया जाएगा। उनको इस चीज़ का वही नहीं है, उसको लगता है कि उसने पति को छोड़ के वो बहुत प्राउड फील करते हैं, खुद तो जो है ना डिवोर्से बन गई और दूसरों के शादियों में जाके नाच रही है। आप एक चीज़ मुझे बताओ, एक शरीफ घर की लड़की, चाहे आपकी घर की हो मेरी घर की हो, अल्लाह ऐसा जो है ना नौबत किसी का ना लाए, बट बेटी अगर सही नहीं हुई तो माँ बाप चाहे जितनी भी दुआएं कर ले, बेटियों के नसीब ऐसे होने वाले, क्योंकि हमारी बेटी अगर सही नहीं है तो हम दामाद को क्यों कोसेंगे भाई। और शादियों में ना जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने देखा है, और मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरा भी 10-11 साल का एक शादी है, तो जितना हर किसी का एक ही होता है, बहुत कम लोगों का दो होता है, तो जितना मैंने अपनी शादी से जो एक्सपीरियंस किया है कि शादी में ना सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइसेस ना एक औरत को करना पड़ता है, और अल्लाह ने हमको बनाई उस कैटेगरी में ऐसी ही बनाया है कि हम औरतों में ना माया मोह सहने की ताकत जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि डिलीवरी में एक औरत इतना पेन झेलती है, जैसे कि हमने भी बच्चा पैदा किया है, 240 या समथिंग हड्डियाँ लेबर पेन जिसको हम बोलते हैं, हम वो झेल के बच्चों को दुनिया में लाते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सी सेक्शन में पेन नहीं होता, जी बिल्कुल भी नहीं है, सी सेक्शन में भी पेन होता है, मेरा भी सी सेक्शन हुआ। मेरे बेटी के टाइम में पूरी रात दर्द में थी और रात के 2 बजे के करीब करीब मुझे पेन स्टार्ट हुआ, और 10:37 को जो मेरी डिलीवरी वो 4 किलो की थी, तो डॉक्टर ने बहुत कोशिश की नॉर्मल डिलीवरी करवाने की, लेकिन संभव वो नहीं हुआ, क्योंकि बेबी जो है वो ओवरवेट, मतलब हेल्दी थी माशाल्लाह से। सो मेरा सी सेक्शन करवाना पड़ा, इबू के टाइम पर भी सी सेक्शन करवाना पड़ा, फजर के टाइम से मेरा दर्द चालू था, 12:30 बजे जो है ना इबू का जो है ना जन्म हुआ। सो सी सेक्शन में भी दर्द होता है, तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि हम
हमारे में ना मर्दों से ज़्यादा सोचने की, समझने की, सहने की ताकत होती है। और वो एक कहावत है ना कि अल्लाह भी अपने बंदों को उस हद तक तकलीफ़ देता है जिस हद तक वो सह सकता है। आप नहीं सह पाओगे उतना जो दर्द है ना, वो मेरा रब किसी को नहीं देता है। सो जिस लड़की के अंदर सेक्रीफाइस करने की, एडजस्ट करने की, सहने की अगर ताकत ही ना हो तो उस लड़की का तो घर टूटना ही है। और ये मेकअप थोप के और ये नाच गाना करके और ये सरकों में घूम के याशी करके पूरी ज़िंदगी नहीं करती है। ज़िंदगी में एक पड़ाव ऐसा भी आता है जहाँ पे माँ बाप, भाई बहन सब दूर हो जाते हैं। माँ बाप तो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, भाई बहन अपने घर के, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी मसरूफ़ हो जाते हैं, और उस वक्त जो है ना अकेला पड़ जाते हैं। माँ बाप सिर्फ अपने बेटियों को खाना खिलाने के लिए शादी नहीं करवाते। माँ बाप का मेन मोटो ये होता है कि हमारे बाद इसका ध्यान रखने के लिए उसका खामिंद, दैट मीन्स हस्बैंड होगा। या फिर माँ बाप अपने बेटों को इसलिए शादी करवाते हैं कि बेटा तो कमा रहा है तो फिर बेटे को शादी करवाने की क्या ज़रूरत है। बेटे को इसलिए शादी करवाता है, मोस्ट जो होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है कि हमारे जाने के बाद हमारे बेटे को कौन संभालेगा, बहू, हमारे जो है ना खानदान को कौन आगे बढ़ाएगा, बहू। तो इसीलिए माँ बाप जो है ना शादी करवाते हैं। लेकिन आजकल के जनरेशन में ना लोगों ने शादी का जो है मायना ही बदल के रख दिया है। आजकल के लड़कियों में मैं देख रही हूँ क्योंकि परसों भी देखा मैंने एक औरत को, लोगों में ना सहने की जो एक, सबर करने की जो एक ताकत है ना वो खत्म। इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, क्यों बोल दिया, कैसे बोल दिया करके जो पागलपंथी लोग शुरू हो जाते हैं, मैंने देखा है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम औरतें जो होती है ना सिर्फ किसी की बीवी या बहू नहीं होते हैं, हम किसी की माँ भी होते हैं। और माँ अपने बच्चों का सबसे बड़ा टीचर होता है, बच्चे सबसे पहले माँ से सीखते हैं, ठीक है। और हम में जो चीज़ों की खामियाँ होगी या खूबियाँ होगी, हमारे बच्चों में भी नोड़ा और वो चीज़ें आएगी। तो एक माँ में अगर सब्र करने की ताकत नहीं हो सकती है, एक माँ में अगर बात करने की तमीज़ नहीं हो सकती, एक माँ में इस्लाम की नॉलेज नहीं हो सकती, एक माँ में तहजीब नहीं हो सकती है, तो आप अपने बच्चों से उस चीज़ की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और ये औरतों की ही कहीं ना कहीं गलती होती है जो उनका आगे की नस्ल जो है ना औरतों की वजह से ही बर्बाद होती है। और ये तो लिखा हुआ है कि जहन्नुम में भी सबसे ज़्यादा जाने वाली औरतें हैं, वो भी अपनी ज़बान और अपनी अखलाक के वजह से हैं। सो वो लड़की, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि वो लड़की जो है अपनी शादी तोड़ के, हिजाब, बुरखा सब कुछ हटा के जो है वो दुल्हन बन के, लिटरली इतना मेकअप थोप के वो बारातियों के साथ ढोल नगारों पे नाच रही, ये सही है? आप लोग बताना। उसके डिवोर्स को 6 महीना भी नहीं हुआ, शादी का भी 6 साल भर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी स्टिल डिवोर्स को 6 महीना भी नहीं हुआ है। जो लड़की दूसरों के शादी में जाके इतना जो है वो इतरा सकती है, वो लड़की किस कैटेगरी को होगी? क्योंकि एक रिश्ता टूटने के बाद ना एक रिश्ता तोड़ने के लिए भी गर्स चाहिए होता है। मैं तो बोलती हूँ गर्स चाहिए होता है, मैं तो इतने सालों में भी नहीं कर पाई। हमारे दिमाग में सबसे पहला जो है ना, अगर माँ नहीं बनते हो तो सबसे पहला सवाल ये आता है पेरेंट्स और सोसाइटी का। और अगर आप माँ बन जाते तो सबसे बड़ा सवाल जो है ना ये आता है कि बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा। तो जो लड़की अपने बाप की, भाई की इज्जत की मान नहीं रख पा रही है, जो लड़की सोसाइटी में उसके माँ बाप को जो है ना कौन से नज़र से देखा जाएगा उसकी फिक्र नहीं है, तो वो लड़की किसी की सगी नहीं हो सकती। और उसका जो 10 शादी भी कर लेना, आई बैट यू कि उसका घर कभी नहीं बच सकता। भले ही इस बार वो छुपके करे शादी या फिर सोशल मीडिया में दिखाए कि उसके सेकेंड मैरिज बहुत हैप्पीली जा रहा है, लेकिन समहाव अगर आप झांक के देखोगे ना उसके घर में, उसके रिश्ते उस टाइम पे भी दोबारा भी खोखला ही होगा। क्योंकि खोट उसके रिश्ते में नहीं है, खोट उसकी सोच में और खोट उसके अंदर है। क्योंकि एक रिश्ते को निभाने के, रिश्ता तोड़ना यूँ, अब मैं अपने पति को तलाक दे दूँ, खुला ले लूँ, मैं पति की मंजूरी की ज़रूरत नहीं। हमारे इस्लाम में औरतों का इतना हक है, इतना फ्रीडम है। लोग बोलते हैं कि इस्लाम में औरतें कैद होकर रखती है, से रहती है वैसे, जी बिल्कुल भी नहीं। आज अगर इंडिया में आप रेप का अगर रेशियो देखोगे तो सबसे ज्यादा रेप का रेशियो हिंदू में है, मुसलमानों में नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, हम मुसलमान औरतें जो सच्ची मुसलमान होते, हम नकाब में, हिजाब में खुद को सेफ महसूस करते हैं कि बाहरी दुनिया की गंदी नजर हम पे नहीं पड़ रही है।
ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि आप बिना नकाब के जो है सोशल मीडिया में आके वीडियो बनाते हैं, आपको तो बहुत सारे लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ पे खुद को बेचने नहीं आती हूँ, मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने आती हूँ। और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए जो है ना, ये लोग कुछ कुछ निगेटिव कमेंट करते हैं कि चुगली करती है, ये करती है, वो करती है। सो मैं हिजाब को जो है ना क्या बोलते हैं उसको, एक हंसी का वो नहीं बना सकती हूँ, जो टॉपिक है वो नहीं बना सकती हूँ। हाँ, मैं बाहर जाते टाइम करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सोशली में हिजाब को या फिर अपने रिलीजन से रिलेटेड किसी भी चीज़ को जो है ना मैं इंसल्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन एज ए मुस्लिम वुमेन मैं इतना कह सकती हूँ, मैं हिंदू थी, हिंदू से आके मुसलमान बनना या फिर हिजाब में रहना आसान नहीं होता, बहुत घुटन महसूस होते हैं, बहुत सफोकेटिंग महसूस होते हैं, फिर भी हम करते हैं। शुरू शुरू में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन अब मैं खुद को सेफ महसूस करती हूँ कि किसी की गंदी नज़र मुझ पर नहीं पड़ रही है, कोई मुझे तान नहीं रहा है। सो हमारे इस्लाम में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो कानून इंडिया के कानून व्यवस्था में भी नहीं है कि खुला लहना। इंडिया में अगर आप वन साइड डिवोर्स फाइल करो तो आपको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन हमारे इस्लाम में खुला लेने का हक है। तो मेरा कहने का मतलब कि एक रिश्ता तोड़ना, अभी अगर मैं चाहूँ ना अभी खुला ले लूँ मैं, तोड़ना बहुत आसान है, 3-4 दिनों में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो रिश्ता मैं 11 सालों से जो है ना मैं बचा के आ रही हूँ या फिर निभा के आ रही हूँ, उस रिश्ते को निभाने के लिए मुझे जो है ना लिटरली आग में जलना पड़ा, क्योंकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना जहाँ पर मैंने मुझे ज़िंदगी में एक मांगा तो दो मिला। ठीक है, मुझे कभी धूप या छाव कभी महसूस ही नहीं हुआ, बोलने से मांगने से पहले वो चीज़ हाजिर हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे आके माहौल अलग, धर्म अलग, पहनावा अलग, खाना अलग, थिंकिंग अलग, ऊपर से फिनेंशियली भी जो है ना दिक्कत, अनस्टेबलनेस थी। सो मुझे लिटरली आग में जलना पड़ा, तब जाके इतना लंबा मैंने रिश्तों को खींचा है। तो रिश्ते को जो है ना क्या बोलते हैं कि तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो उस रिश्ते को निभा लिया जिसने, तो उसके बुढ़ापे में उस इंसान का साथ और उस इंसान का ग्रेटफुलनेस आपको मिलेगा कि नहीं, मेरी बीवी इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है आज भी मेरे साथ है। तो अगर किसी मर्द से आपको ग्रेटफुलनेस चाहिए तो आपको उस मर्द को उस तरीके से देना पड़ेगा। गुस्सा करो, हक है बीवी का गुस्सा करना। हमारे में जो है ना शौहर को का बीवी को मनाना भी सुन्नत रसूल है। हमारे जो है ना नबी भी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही चीज़ करते थे, बीवी आयशा का जो है ना, और भी सारी चीज़ों की मुझे इतना आइडिया नहीं है, मनाते थे, वो सुन्नत रसूल है। शौहर से नाराज़ होना जो है हमारा हक है, लेकिन दैट डजेंट मीन कि उस इंसान की वैल्यू ना करो और उस इंसान के साथ रिश्ते में निभाने के लिए एफर्ट करो। तो जिस लड़के के अंदर वो चीज़ है ही नहीं, उसकी 100 शादी करने के बाद भी जो है ना रिश्ता निभेगा नहीं बिल्कुल भी। और मैं तो ना जिनी के ऊपर लानत भेजती हूँ कि जिसने, अरे 1 साल भी मेहनत नहीं करा अपने शौहर के साथ इस रिश्तों को निभाने के लिए, 6 महीने में 5वें महीने में उसने खुला ले लिया, और अब जो है बाहरों में घूम रही है रात देर रात, दूसरों के शादियों में जाके जो है ढोल नगारों में नाच रही है। जहाँ बोलते हैं ना कि पति के साथ जो है ना, हमारे में कहावत है, मेरी नानी और मासी वगैरह कहती थी, पति का घर अगर मिट्टी का भी हो ना, तो मिट्टी के घर से जब तुम मायके में जाओगे ना, तुमको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर तुम मायके में 12 महीने पड़ी रहोगे तो उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट तुमको उस मिट्टी वाले घर के पति के आंगन से जाके मिलेगा। तो आज अगर वो अपने पति के साथ उस शादी में जाती ना, उसको जितना रिस्पेक्ट मिलता ना, ये जो ढोल नगारों पर नाच रही और दांत निकाल निकाल के फाड़ रही और किलो किलो मेकअप थोप के जो वो खुद को जो ऐश्वर्या समझ रही है, उसको इतना इज्जत नहीं मिल रहा पति के घर में। अगर अगर आज नूर की बात करें, नूर जैसी भी है, वो दांत फाड़ के हंसती हो, विदाउट एनी रीज़न हंसती हो, पागलों की तरह हंसती हो, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ है। आज वो अगर घूम रही, उसका पति अगर उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है आज, तो उस पति को कहीं ना कहीं एहसास है कि नूर अपने फैमिली के लिए कितना कर रहा है। तभी नूर को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, शेरू भाई सब कुछ कर रहा है। और शेरू भाई ने ये चीज़ बोला भी है कि मैं नूर को खुश करना चाहती हूँ, उसकी खुशी के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि शेरू भाई को भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि नूर कर रही है, नूर कर रही है, नो डाउट नूर कर रही है, इतने सालों से कर रही है। जब वो लोग चौल के उस छोटे से घर में थे तब भी वो करती थी, आज जब इतने बड़े घर में, इतने अच्छे घर में आ गए तब भी करे। तो नूर का रिस्पेक्ट जीनत के रिस्पेक्ट से कहीं ना कहीं कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि वो इंसान भली ही कैसी हो, हाँ हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, मुझ में भी है, मैं भी हूँ, लेकिन मैं अपनी बुराइयों को कहीं ना कहीं जो है ना कम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, एक टाइम पे ना मेरे को कोई एक बोल देता था ना, मैं 10 जवाब देती थी, अब उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। लेकिन जितना मेरा इस्लाम की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा हो रहा है,
मैं चाह रही हूँ मेरा झुकाव हो, क्योंकि मेरा झुकाव होगा तो मैं अपने औलादों को सिखा पाऊंगी। उतना ही कहीं ना मेरे अंदर ना एक ठहराव सा रहा है। आज की डेट पर अगर मुझे कोई भी कुछ भी बोल देता है ना, मैं एक रोस्टर हूँ, लोगों को रोस्ट करना मेरा पेशा है, तो उसके बातों से उसको मात देने की भी मैं ताकत रखती हूँ। लेकिन मैं पलट किसी को जवाब नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि मुझे पता है कि जितना उसको मैं जवाब दे के हर्ट करूँगी, उससे ज़्यादा जब मेरे अल्लाह उससे उसके ऊपर लाठी मारेगा ना, तो उसको उससे ज़्यादा दर्द होगा। तो मैं कौन होती हूँ किसी को तकलीफ देने वाली? और मुझे लगता है कि घमंड जो होता है ना, वो आपके बोलते ना ख़त्म होने की पहली सीढ़ी होती है। जिसके अंदर तकबर आ गया कि भाई मैं तो यूट्यूबर हूँ, रोज़ मेरे 4-5 हज़ार व्यूज़ आ रहे, दोनों चैनल में उससे ज़्यादा आ रहे, लोग मुझे जानते हैं, मैं कमाती हूँ, अगर मुझे घमंड लगा अल्लाह थोड़ा सा ऊपर ले जाके ऐसा पटकेगा कि उसका दर्द जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा होगा। तो मैं जो है ना, मैं आजकल मैं किसी को रिप्लाई नहीं करती। इनफैक्ट मेरी सास और मेरे बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आज तक मैंने अपनी सास को कभी भी जो है ना, मेरा पति नहीं बोल पाएगा कि मैंने जो है उनको डिसरेस्पेक्ट किया, या फिर उनको कभी भी सामने से उनको गलत तरीके से जो उनको रिप्लाई किया, और ना मैंने कभी भी अपने सास ससुर से पति को अलग किया। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि कर्मा जो होता है ना, कर्म में वो बहुत बिलीव करती हूँ। आज मैं कौन होती किसी के माँ बाप से उसके औलाद को छीनने वाली? आज अगर मैं किसी के माँ बाप से उसके औलाद को छीनूंगी तो कल को मेरा बेटा भी, मेरे बेटे को भी कोई आके छीन लेगा। तो करो इतना जितना तुम झेल सको। और ये जो कर रहे हैं ना ये लोग, जैसे कि इसकी उमरा पे जाके एकदम सोना चांदी पहन के जाके मेहंदी वेंदी लगा के जाए, जैसे कि किसी की वलीमा में जा रही है, वहाँ पे इबादत छोड़ के वो लोग क्या करें, व्लॉगिंग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और खाना क्या है वही दिखाते रहते हैं, कौन सा दिन मच्छी है, कौन सा दिन चिकन कौरमा है, कौन सा दिन फलाना है, वही सब दिखाते रहते हैं। बेटी यहाँ पे खुद की शादी तोड़ के दूसरों की शादी अटेंड कर रही है, रात दिन रात घूम रही। तो ये जो चीज़ें वो लोग कर रहे हैं ना, उनको वो ये चीज़ भूल गए हैं। वो अल्लाह के घर में उसके माँ भाई भाभी जाके भी अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दी, उनको हिदायत से जो है ना दूर रखा। क्यों रखा? क्योंकि उनका उम्रा ही कबूल नहीं हुआ। अगर उनका उम्रा कबूल होता ना, तो उनके आँखों में आंसू होते, नमी होते, एक एक दिन अगर कटता तो उनका दिल जो है ना और छोटा होता जाता कि दिन बीत रहे, हमको जाने का जो है ना वक्त आ गया है। लोगों को वहाँ पर जाने के बाद आने का मन नहीं करता है। एक एक दिन बीतता जाता है तो इंसान के दिल जो है ना छोटा होता जाता है कि अरे यार हमारे तो जाने के दिन नज़दीक आ गए। लेकिन उनको ऐसा कुछ भी चीज़ महसूस नहीं हो रहा है, वो सिर्फ व्लॉगिंग पे ध्यान दे रहे। दैट मीन्स अल्लाह ने कहीं ना कहीं उनको हिदायत नहीं दी है, ठीक है। तो मैं वही चीज़ बोल रही कि दुनिया की ज़िंदगी जियो, लेकिन चंद पैसों में, एक ज़मीन के टुकड़ों में या थोड़ा रूप में इतना भी मसरूफ मत हो जाओ कि तुम जो है अपना आखिरत भूल जाओ। कोई अगर कुछ बोल रहा है, अरे मैं आज के डेट पे, ट्रस्ट मी, मैं क्या बोलूँ, मैं आज के डेट में मैं ऐसी बन गई ना, कोई अगर मुझे कुछ बोल रहा है ना, तो मैं बोलती हूँ मैंने अल्लाह के नाम पे, अरे मैंने लोगों को अपने आंखों के सामने बद्दुआएं देते हुए देखा है कि तू सर सर के मरेगी। अब बताओ ये चीज़ बोलते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कोई भी कैसा भी हो, हमको कोई हक नहीं बनता हम किसी को बद्दुआएं दे, ठीक है। दूसरी बात, हम क्या वली अल्लाह है कि हम बद्दुआ देंगे वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। बोलते ना, जो जैसा करके वो अपने लिए भी वैसा ही रखता है। तो हम कौन होते हैं बद्दुआएं देने वाले? मुझे अगर मेरे लिए कोई बुरा बोलता है ना, लोग कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम ईमान वाले, आप ईमान वालों, अल्लाह आपका दुआ जो है कभी खाली नहीं जाने देगा। कोई कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि तुम बद्दुआ मत दो, क्योंकि तुम्हारी बद्दुआ जो है वो लग जाएगी, क्योंकि मेरी जवान जो है वो काली है। तो पहले से मेरी माँ बोलते हैं तू किसी को कुछ भी मत बोलना, काली जबान की तेरी बात लग जाएगी। तो वह काली जबान हो या फिर मैं ईमान वाली हूँ, लेकिन मैं किसी के लिए भी ना बद्दुआ में मैं अपना हाथ कभी खड़ा नहीं करती। मैं हमेशा चाहती हूँ हर कोई अच्छा रहे, लेकिन जिनके अंदर दीन की कमी है और दीन की कमी के वजह से जो वो लोग गुनाह कर रहे हैं ना, अल्लाह उनको अपने ही छत्रछाया में रखे, अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में ना रखे। क्योंकि क्या है ना कि वो जितना अपने छत्रछाया में रहेंगे उतना ही वो लोग गुनाह करते जाएंगे, तो गुनाह करते जाएंगे तो उनका आखिरत में पूछ होगा। अल्लाह ने अगर उनको हिदायत दे दिया तो फिर उनकी हर गुनाह माफ़ हो जाएगी। सो मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती, बस मैं इतना कहती हूँ कि अल्लाह तुमको तुम्हारे ही हिफ्ज़ो अमान में रखे। बस दुआ और बद्दुआ देने वाले हम कौन होते हैं? हाँ, किसी के लिए मैं बुरा में के टाइम पे तो मैं हाथ खड़ा नहीं करती, लेकिन अगर मेरे हाथ खड़ा करने से किसी का अच्छा हो रहा है तब मैं डेफिनेटली हाथ खड़ा करती हूँ। क्योंकि वो था अमाल,
मैं अमाल में बहुत बिलीव रखती हूँ, माल नहीं अमाल में, क्योंकि जैसा मैं दूसरों के साथ करूँगी वैसा ही मुझे भी मिलेगा। तो अगर मैं किसी के खैर के लिए दुआ कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं उसका 1% तो मुझे मिलेगा। सो मैं उस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। लेकिन आजकल के मुसलमानों को, जेनरेशन को ना जाने क्या होगा, मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। खैर छोड़िए, ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। फिर मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल में आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर सेम होता है तो प्लीज़ कमेंट करके जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिए। मैं वीडियो के थ्रू शेयर करती हूँ, आप कमेंट के थ्रू शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।